अरे वाह, इसकी आंखों से तो आंसू की नदी बह रही है। ए सुन, ये जो आंसू बहा रही है उन आंसुओं में तो डूब मत जाना, नहीं तो रोक कर तेरे पास जो कुछ है वो सब का सब छीन लेगी। तो जाके अपना काम देख जाना। प्रिय दर्शकों, परिवारों में हमें किसी का श्राप नहीं लेना चाहिए बल्कि आशीर्वाद लेना चाहिए। परिवारों में हर एक के लिए आशीर्वाद रहना चाहिए, वही काफी है और संतुष्ट होकर हमें जीना चाहिए। इसे कौन सा रोग लग गया है, जब देखो बचता रहता है। इसे और कोई काम नहीं है। मम्मी जी, फोन क्यों बंद किया? मुझे ला के दे देती ना। हाँ, तू तो बड़ी महारानी है ना। मेरे पिताजी ने फोन किया था। हाँ हेलो पिताजी, मैं मोनिका बोल रही हूँ। आपने फोन किया था? वो इसलिए कि तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ? माँ की तबीयत को क्या हुआ? घबराने की बात नहीं है, उसे थोड़ा बुखार है। हमें वहाँ आना है। हाँ बेटी, दो दिन के लिए आ जाओ तो अच्छा रहेगा। दामाद को साथ ले आना। ठीक है पिताजी, हम लोग आ जाएंगे। मोनिका, किसका फोन था? मेरे पिताजी का फोन था। माँ की तबीयत ठीक नहीं है, हम दोनों को वहाँ जाके दो दिन रुकने के लिए बोल रहे हैं। ए सुन, तू वहाँ नहीं जा सकता, चाहे तो इसे भेज दे, ये हो आएगी। सुनिए ना, मम्मी जी तो ऐसे ही बोलेंगी, आप चलिए ना, हम लोग वहाँ होकर आते हैं। मैं सोच के बताता हूँ। अरे इसमें सोचने की क्या बात है, तू नहीं जा सकता, साफ साफ बोल देना। क्यों रे, तू उस घर में जाकर भला कैसे रहेगा? तुझे तो एसी रूम में सोने की आदत जो पड़ी है, वहाँ गर्मी में सड़ के मच्छरों से कटवा के बीमार पड़ना है। मोनिका, माँ जो कह रही है वो भी सही बात है, तुम होके आ जाओ ना, कहो तो मैं तुम्हें कार से ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है। सुनिए, एक बार अंदर चल के उन्हें हेलो तो बोल दो। नहीं नहीं, तुम जाओ और दो दिन में वापस आ जाना। ठीक हो जाओगी। माँ, आओ बेटी। माँ, अब तबीयत कैसी है? माँ, अब थोड़ा ठीक है बेटी। बेटी, दामाद जी कहाँ हैं? वो नहीं आए पिताजी, मुझे बाहर ही छोड़कर चले गए। बाहर से ही चले गए, दामाद जी भी आएंगे सोचकर। तेरे पिताजी पड़ोसी के पास से पंखा, चारपाई और भी काफी सामान लेकर आए हैं, उधार रखकर मटन भी लेकर आए। रहने दो, ये सब उसे क्यों बता रही हो? तुम जाके हाथ मुंह धो के आ जाओ, होटल से इडली लेकर आया हूँ, कुछ खा लेना। ठीक है पिताजी। हाँ, खाओ बेटी। पिताजी, आपको ऐसे देख के बहुत तकलीफ हो रही है। यही सोच सोच के मैं बहुत दिनों तक रोई। इतने बड़े घर में कितने ऐशो आराम से जी रहे थे, एक बड़ा घर देखकर वहाँ मेरी शादी करवाने के लिए घर घर का सामान सब कुछ बेचकर पैसा दहेज में देकर आप इतना दुख उठा रहे हैं। रो मत बेटी,
हमारी तो उम्र हो गई है, कैसे भी जी लेंगे, लेकिन तुम्हारी अभी पूरी जिंदगी पड़ी है और तुम सुखी से रहो, हम बस यही चाहते हैं। पिताजी, मेरे लिए अगर आप दहेज नहीं देते तो ऐसे दुख नहीं उठाने पड़ते ना। सुनो बेटी, तुम बेकार में परेशान मत हो, हम ईशु को खोजेंगे और वो सब कुछ संभाल लेंगे बेटी, बस तुम रो नहीं, मत रो, रो मत बेटी। क्यों रे, तू ऐसा पत्थर की तरह क्यों बैठा है? अपनी बीवी को फोन करके बुला क्यों नहीं लेता? बोल दिया माँ, आज वो आ जाएगी। ये पैसे लो भैया। क्योरी, आ गई तू? तू आएगी सोचकर तेरा पति सुबह से वेट कर रहा है। मैं वापस आ गई हूँ। इसे क्या हुआ जो इतनी चिढ़ती हुई जा रही है? मुझसे फूटे मुंह से दो बात करके भी नहीं गई? अरे छोड़ो ना माँ, उसे किसी बात का टेंशन होगा। मोनिका, तुम इतनी गुमसुम क्यों हो? तुम्हारे वहां कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या बात है, जब तक बताओगी नहीं तो मैं कैसे जानूंगा? मेरे माँ बाप ने ऐसा कौन सा पाप किया, वो क्यों इतना दुख उठा रहे? उनसे बस एक ही गलती हुई कि मेरी शादी बड़े घर में आपसे करवाई और भर भर के दहेज में पैसा दिया। अगर वो ऐसा ना करते तो आज वो भी ऐशो आराम से रहते। उनकी मदद करने के लिए न जाने कितनी बार मैंने आपसे कहा, आपने कुछ नहीं किया। हमारे सिवाय उनकी मदद करने वाला कोई भी नहीं है। अरे वाह, इसकी आंखों से तो आंसू की नदी बह रही है। ए सुन, ये जो आंसू बहा रही है उन आंसुओं में तो डूब मत जाना, नहीं तो रो कर तेरे पास जो कुछ है वो सब का सब छीन लेगी। तू जाके अपना काम देख जाना। मोनिका, 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 क्या बात है? तुम अभी तैयार हो? ऐसे क्यों पूछ रहे हो, बात क्या है? अरे बहुत अच्छी बात है, हम दोनों मिलकर तुम्हारे घर जाएंगे। हाँ सच में? यकीन ही नहीं हो रहा, ये अचानक से वहाँ क्यों? क्यों का जवाब वहीं जान लेना, अब चलो। क्यों रे, तू इतनी जल्दबाजी में आके उसको कहाँ लेकर जा रहा है? अरे कहीं नहीं जा रहा हूँ, तुम आराम करो, आ जाओ। पिताजी हाँ, देखो तो जरा कौन आए हैं। नमस्ते बेटे, आओ बेटी। क्या बात है बेटी, एकदम अचानक से यहाँ? क्या बात है, मैं भी नहीं जानती, बहुत सस्पेंस रखा है। एक काम करो, तुम खुद इनसे पूछ लो। तुम ही बताओ बेटे, कोई खास बात है क्या? हाँ खास बात ही है, मैंने मन फिरा लिया है और यही बात खास है। सच में? सुन के अच्छा लगा बेटे। पिताजी, इतने दिनों तक आपका दुख मैं जान ही नहीं पाया, लेकिन आज मैं सच में जान गया। लीजिए, ये रख लीजिए, इसमें 5 लाख रुपए हैं। हाँ, ये आप रख लीजिए। ये सब क्या है बेटे, एकदम से? पहले ये पकड़िए ना,
ये आपके ही पैसे हैं जो आपने मुझे दहेज में दिए थे। पिताजी, आपने जो घर बेचा सुना है फिर से बिक रहा है, वो भी जल्दी से खरीद कर आपको लौटाऊंगा। आप खुश तो है ना? मैं क्या बोलूं, मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा है। सुमति, देख लिया ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। ये क्या, ये तो मेरे लिए भी आश्चर्य है। आखिर ऐसा क्या हुआ जो बदल गए? मोनिका, आज जब मैं अपने ऑफिस जा रहा था तो रास्ते में एक दीवार पर एक पब्लिसिटी देखी कि दहेज मांगने वाला मसीही नहीं है। उस पब्लिसिटी में यही लिखा हुआ था। वो जो बात थी मेरी अंतरात्मा को बार बार कोस रही थी। अगर मैं सच्चा मसीही होता तो कभी दहेज नहीं लेता, लेकिन मुझसे ये पाप हो गया। ये उसी का परिहार है और इसीलिए मैं दहेज का पैसा वापस दे रहा हूँ। पिताजी, हो ना हो ये प्रभु यीशु मसीह का ही चमत्कार है। आप और माँ, आप दोनों अब से जिस घर में रहेंगे वो छोटा घर नहीं बड़ा घर होगा। मेरे प्रिय दर्शकों, परिवार आशीर्वाद कार्यक्रम देखने वाले आप सबको मैं यीशु के नाम से हार्दिक स्वागत करती हूँ। परमेश्वर आपसे बात करके आपके आशीर्वाद के लिए आज के दिन भी एक तिमिथियुस उसका 6:6-7:8 पढ़ के सुनाती हूँ, सुनिए। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए, क्योंकि खाना पहनना यदि हमारे पास हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। मेरे प्रिय दर्शकों, परमेश्वर के वचन द्वारा प्रभु हमसे बात करते हैं। हमने इस नाटक में देखा दहेज के पैसे देने के कारण लड़की का परिवार बहुत ही दुखी अवस्था में अपने आंसुओं के साथ एक छोटे से घर में रह रहे थे। भला करने वाले प्रभु उस लड़के के साथ बात करते हैं। अपने वचन द्वारा प्रभु ने बात की, इसलिए उसने जो दहेज के पैसे लिए थे वो एक बैग में रखकर अपने ससुर को वो वापस लौटा देता है। ये हमने देखा। और आज अनेक परिवारों में दहेज लेने देने की प्रथा को रोक दिया है। नई पीढ़ी में प्रार्थना करने वाले लोग हैं और बच्चे युवा उम्र में इतने समझदार हो गए हैं कि कहते हैं हम दहेज नहीं लेंगे बोलकर उन्होंने मेल मिलाप किया है। प्रभु अनेक परिवारों पर कृपा कर रहे हैं। अच्छे भले परिवारों में हम देखते हैं, अपने सेवा कार्य के दौरान हम देखते हैं कई परिवारों में अब दहेज नहीं लेते हैं। लड़की को जो देना चाहते हैं बस वही दीजिए और अपनी लड़की को खुशी खुशी विदा कीजिए। कई परिवारों में ऐसा कहा गया, मैंने खुद सुना है। प्रिय दर्शकों, एक परिवार में दो लड़कों के लिए माँ बाप ने कोई दहेज नहीं मांगा, लेकिन लड़की के घर वालों ने दहेज दिया अपनी लड़की के लिए, यहाँ तक कि पैसा भी दिया। और आज लड़के के परिवार में दोनों लड़कों की शादी हो गई और दोनों परिवारों में बच्चे भी हैं। और माँ बाप को जो पैसा दिया था उन पैसों को उन्होंने खर्च नहीं किया, अपने पोता पोती के नाम पर जमा कर दिए। बड़ी बहू को वहां से जो पैसा मिला था वो सारा पैसा अपनी बड़ी बहू को दे दिया। छोटी बहू के वहां से जो पैसा मिला था वो छोटी बहू को उन्होंने दे दिए। मैं जानती हूँ, मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि दहेज का पैसा उन्होंने खर्च नहीं किया। जिसके घर से मिला उसी को वापस देना है बोलकर बड़ी बहू के यहाँ जो मिला वो बड़ी बहू को दे दिया, छोटी बहू के यहाँ से जो पैसा मिला वो छोटी बहू को दिया। आज ऐसे अनेक परिवार प्रभु की गवाही के रूप में रह रहे हैं। आप भी अपने परिवारों में
आने वाले समय में आपको परमेश्वर का गवाह बनकर रहना है। माता पिता बच्चों के लिए सबक बने और बच्चों हमें मसीह का गवाह बनकर अब से रहना होगा, क्योंकि प्रिय दर्शकों इस जगत में ना हम कुछ लेकर आए और ना कुछ लेकर जाएंगे। खाने के लिए पहनने के लिए कुछ है तो काफी है, ऐसा हमें रहना है बोलकर बाइबल का वचन हमें समझाता है। जीवन में लालच नहीं होना चाहिए, पैसों की लालच नहीं होनी चाहिए। उसके घर में इतना सामान है, हमारे घर में कुछ नहीं, और कर्जा लेकर घर नहीं सजाना चाहिए। वस्तु की लालच हमें नहीं होनी चाहिए। प्रार्थना करने से परमेश्वर हमारा पोषण करेंगे, वो हमें समृद्ध बनाएंगे, वो हमें प्रसन्न रखेंगे। मेरे प्रिय दर्शकों, एक पिता ने अपने बच्चों के लिए जो सेटलमेंट करना था वो किया, तब उनके घर में जो उनका बेटा था उसका भी सेटलमेंट किया। उस बेटे को उसके पिता ने जो कुछ दिया था काफी नहीं था, ज्यादा चाहिए, ऐसा वो बेटा सोच रहा था। लेकिन बाप ने ऐसा करने से मना कर दिया। सबको एक समान दूंगा बोलकर बाप ने सारी संपत्ति सब में एक समान बांट दी। बच्चों को देने के बाद पिता ने सोचा कि बच्चे संपत्ति लेकर अच्छे से रहेंगे। जो पिता था हालांकि बहुत गरीब था, खेती करने वाला एक गरीब किसान, लेकिन आराम से जी रहा था। तो इस तरह संपत्ति बच्चों में बांट देने के बाद उस घर का जो बड़ा बेटा था उसमें अपने बाप के प्रति कड़वाहट आ गई। ये बाप नहीं रहना चाहिए, इसे मार देना चाहिए बोलकर अपने ही घर में मन में भारी कड़वाहट रखकर वो लड़का जी रहा था और मौका ढूंढ रहा था। और एक दिन जब उसका पिता खेत में गया और वहाँ काम कर रहा था, तो बेटे ने अपने पिता को कुएं में धकेल दिया, और कुएं में धकेलने के बाद बेटा वहाँ से आ गया जैसे उसे कुछ मालूम ही नहीं, और घर पे ड्रामा करने लगा। बाद में उसकी माँ ने कहा कि तेरे पिताजी दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो कहाँ गए हैं? तो इसने कहा, मुझे पता नहीं, सब जगह ढूंढ कर देखा तो उसके पिता कहीं नहीं मिले। और आखिर में जब उस कुएं में झांक कर देखा तो उसमें बहुत से केले के पेड़ काट कर कुएं में डाल रखे थे। कुएं में केले के पेड़ डाले हैं, पता नहीं कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि वो केले का पेड़ ले जा रहे हों और गलती से कुएं में गिर गए हों बोलकर गांव के सब लोग आपस में बात करने लगे। ऐसा सोचने के बाद गांव के लोगों ने एक एक करके केले के पेड़ निकालने चाहिए बोलकर कुएं के अंदर जो पेड़ थे वो निकाले। बाद में देखा तो उसके पिता को मारकर बेटे ने कुएं में डाल दिया और केले के पेड़ों को कुएं के अंदर डालकर वो बेटा अपने घर चला गया। देखिए कितनी क्रूरता से उसने हत्या की, अपने सगे बाप को बेटे ने ही मारकर कुएं के अंदर डाल दिया। बाद में क्या हुआ देखिए, उस बेटे की बहू पागल हो गई, बेटे की भी हालत खराब हो गई, वो बीमार पड़ गया। आखिर में जिसने हत्या की थी वो भी मर गया, वो अब इस दुनिया में नहीं है। बाप ने बेटे से कहा, जो मैं दे रहा हूँ वो काफी है, संतुष्ट रह सकता था, लेकिन उसमें पापी स्वभाव था। इस जगत में ना हम कुछ लेकर आए हैं और ना ही कुछ ले जाएंगे, इसलिए प्रिय दर्शकों जो है वो काफी है, जो कुछ भी है काफी है, यही हमारे लिए आशीर्वाद है बोलकर हमें रहना चाहिए। प्रिय दर्शकों, परिवारों में हमें किसी का श्राप नहीं लेना चाहिए बल्कि आशीर्वाद लेना चाहिए। परिवारों में हर एक के लिए आशीर्वाद रहना चाहिए, वही काफी है, और संतुष्ट होकर हमें जीना चाहिए। ये कार्यक्रम देखने वाले आप लोग भी सब लोग कहें, प्रभु जगत में ना हम कुछ लाए हैं ना ले जाएंगे, खाना और पहनना मिले वही काफी है, उसी में खुश रहे प्रभु, ऐसा बोलकर हमें प्रभु से कहना होगा ये काफी है बोलकर। जब हम तृप्ति से रहेंगे तो प्रभु हमें आशीर्वाद देंगे, परिवार को आशीर्वाद देंगे, हमारे बच्चों को आशीर्वाद देंगे, काम को आशीर्वाद देंगे, हमारी उन्नति करेंगे। अब प्रार्थना करें। हे स्वर्गलोक के पिता, तुम्हें धन्य कहते हैं पिता, तुम्हारी स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता। परिवारों को आशीष देने वाले प्रभु, तुम आशीर्वाद देने वाले परमेश्वर हो। तुमने अब्राहम को आशीर्वाद दिया, ईसा को आशीर्वाद दिया, याकूब को आशीर्वाद दिया। हे परमेश्वर, इन परिवारों को आशीर्वाद दो, ये कार्यक्रम देखने वाले हर परिवार को आशीर्वाद दो, हर बच्चे को आशीर्वाद दो प्रभु, हर प्रार्थना करने वाले को आशीर्वाद दो, सबको आशीर्वाद दो। खाना और पहनना हमारे लिए काफी है प्रभु, संसार की लालच, पैसों की लालच, वस्तुओं की लालच हमारे मन के अंदर दिखाई ना दे प्रभु। तुम जो हमें आशीर्वाद दोगे वो काफी है बोलकर, काफी है मन से बोल रहे हैं, हम परिपूर्ण है प्रभु।
तुम हर एक परिवार की सहायता कर रहे हो प्रभु। इन परिवारों में दिखने वाली दुष्ट आत्माएं, परिवारों की शांति छीनने वाली दुष्ट आत्माएं, परिवारों में दिखाई देने वाले झगड़े सब यीशु के नाम से पूरी तरह नष्ट हो जाने चाहिए प्रभु। परिवारों को आशीर्वाद मिले, इन परिवारों में बहनों को आशीर्वाद मिले, इनके हर काम को आशीर्वाद मिले, उसमें उन्नति प्रदान करो। हमें जो मिला है वो काफी है बोलकर इन परिवारों को आशीर्वाद दो प्रभु। जो परिवार आशीर्वाद पाना चाहते हैं वो तुम्हारी ओर देखें, उन्हें तुम आशीर्वाद दो प्रभु। जो बच्चे आंसू बहा रहे हैं उन बच्चों का पोषण करो प्रभु। तुम मेरा पोषण करो, मेरे परिवार का भी करो। इन प्रार्थना करने वालों को आशीर्वाद दो, चमत्कार करो, पोषण करो, कमियों की भरपूरी करो। प्रभु ये कह रहे हैं आशीर्वाद काफी है, इन्हें अच्छा हृदय दो ताकि ये तृप्त रह सकें। तुम इन सबको आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो। ये कार्यक्रम देखने वाले हर एक को आशीर्वाद प्रदान करो, परिवारों को आशीर्वाद दो, छोटे बच्चों को आशीर्वाद दो प्रभु। ये किसी भी बात से निराश ना हो वैसे इनकी कमियों की पूर्ति करो, तुम इनका मार्गदर्शन करो। तुम ऐसा कर रहे हो इसके लिए तुम्हारा धन्यवाद प्रभु। ये सारे परिवार आशीर्वाद पाकर भलाइयां देख पाएं, ये स्वयं देख पाएं, इन्हें उन्नत बनाओ प्रभु। ऐसा करने के लिए हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं प्रभु। हे यीशु, तुम्हें धन्यवाद देते हैं। इन परिवारों को आशीर्वाद देने के लिए तुम्हें धन्य कहते हैं। इन परिवारों में जो श्राप हैं वो दूर हो जाएं, जादू टोने की जो शक्ति है वो नष्ट हो जाए प्रभु। ऐसा करने के लिए हम तुम्हें धन्य कहते हैं, स्तुति करते हैं। ये तुम्हारा आशीर्वाद देख पाएं, ये परिवार प्रसन्न रहें, तुम्हारे नाम की महिमा हो। ऐसा करने के लिए हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं प्रभु। सारे धन्यवाद और सारी महिमा केवल तुम्हारे नाम की हो प्रभु। यीशु के नाम से हम प्रार्थना कर रहे हैं पिता, आमेन आमेन। इस कार्यक्रम के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बात की है, परिवारों से प्रभु ने बात की है। अब आने वाले समय में एक परिवर्तन परमेश्वर के परिवारों में दिखाई देगा। आपके पास जो है वही काफी है बोलकर संतुष्टि से आप जीने की आदत डालें, प्रार्थना करते रहें, बाइबल पढ़ते रहें। परमेश्वर आप सभी को आशीर्वाद देंगे, श्रेष्ठ बनाएंगे, जरूरतों को पूरा करेंगे, जिन भले कार्यों की आप अपेक्षा कर रहे हैं सफल बनाएंगे। आपके परिवारों में चमत्कार होगा, वो आप स्वयं देखेंगे। आमेन आमेन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 0443545455. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.